ये हमारी नई प्रोजेक्ट हेड है और यही तुम्हारे साथ मीटिंग में जाएंगी। अवंती, टेक केयर। राइट देन। राहुल, डोंट यू डेयर। तुम्हें नौकरी की जरूरत है, प्रोजेक्ट हेड। ये क्या नया ड्रामा शुरू किया तुमने? मैं कबीर को बोल दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। कोई भी पैंतरा आजमाने की कोशिश मत करना। स्टे अवे फ्रॉम मी। राहुल, आई नो कि मैंने जो भी कुछ किया है उसके लिए माफी नहीं, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि तुम मुझे माफ करो। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है मेरे साथ काम करना, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है मेरा तुम्हारे सामने खड़े होना। मैंने कुछ भी किया सिर्फ प्यार में किया राहुल। मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ। तुम बताओ मैं क्या करती। मैं नाराज थी तुमसे, मैं गुस्सा थी, और राहुल तुम खुद आए थे मेरे पास शादी के लिए। तुम मुझे मंडप पे अकेला छोड़ के चले गए थे। मैं पागल हो गई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की है राहुल, बहुत गलत तुम्हारे साथ और मानवी के साथ की है। और होली की पार्टी के बाद मेरे डैड को जाके सब सच बता दिया। डैड मुझसे बहुत अपसेट थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अब्रॉड भेज दिया है कोर्स करने के लिए। राहुल, आज आके आई रियलाइज दैट मैं कितना गलत कर रही हूँ सबके साथ। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। राहुल, मुझे गलती की सजा भी मिली है। मैं पूरी रात पुलिस स्टेशन में थी और उस इंस्पेक्टर ने मेरे से कैसे सवाल किए तुम्हें आइडिया भी नहीं है, और वो क्राइम जो मैंने कमिट भी नहीं किया। तुम्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया ना, तुम्हारी लाइफ पार्टनर, लेकिन मुझे क्या मिला? मैंने तो सिर्फ प्यार किया था तुमसे। वक्त तो लगेगा ना मुझे इस सब से बाहर आने में। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें एक रात जेल में रहना पड़ा, उसके लिए आई एम सॉरी। कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। राहुल, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो गलती भी नहीं है। और तुम चाहते हो तो मैं मानवी को जाके भी सॉरी बोलूं। नो नो नो, दैट्स ओके। आई गेस तुमने जो कुछ भी किया उससे बड़ी गलती तो मैंने की थी तुम्हारे साथ। एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! ए, रुक! ए, रुक! ए, रुक! अरे मार, मैं तो सामने से मार। इस तरह छुप के वार करने में कोई बर्दाश्त नहीं है।